नमस्कार। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा होगी केंद्रीय बजट के बारे में। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर हर राजनीतिक दल के अपने अपने मत हैं। कांग्रेस जहां इस बजट को जनता के साथ एक बड़ा छलावा बता रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे विकास की संज्ञा दे रही है कि बजट देश का विकास करेगा और सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधरेगी। अब कितनी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, कितनी नहीं सुधरेगी, ये तो भविष्य बताएगा। परंतु इतना जरूर तय है कि कुछ मामलों में सरकार ने अच्छे प्रावधान किए हैं, वहीं कई सेक्टर ऐसे छूट गए जिनकी वजह से बाजार, व्यापारी और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग निराश नजर आ रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी रहेंगे और कांग्रेस से पंकज शर्मा जी रहेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विशेष शर्मा जी रहेंगे। वो यहाँ विश्लेषण करेंगे बजट का अपने तरीके से। यहाँ सबसे पहला सवाल सलीम जी आपसे, आपकी नज़र में ये बजट कैसा है? पिछली बार 27 लाख करोड़ का बजट था, इस बार 30 लाख करोड़ का बजट है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है। हम चाहते हैं किसान को क्या वो जैविक खेती के माध्यम से उसकी आमदनी बढ़ाए। डेयरी में हमने उत्पादन का लक्ष्य डबल रखा है। मछली पालन में 200 लाख टन का प्रोडक्शन चाहते हैं हम। हर मतलब 1 लाख पंचायतों को भारत नेट से जोड़ना चाहते हैं। इंटरनेट से जोड़ देंगे। उनके वेयर हाउसेस के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर पर वेयर हाउसिंग के लिए उनको फैसिलिटीज देंगे और मोटिवेट करेंगे। हर दृष्टि से देखा जाए जो लेडीज का स्व सहायता समूह से बीज के स्टोरेज और उसके उनसे वो गांव में या उस क्षेत्र में वो बीज प्रदाय कर पाए। 58,000 करोड़ रखे हैं उसके लिए आपने। देखिए ठीक बात है, और भी सुन लीजिए नटशेल में। हाँ नटशेल में 1 साल की इंटर्नशिप दे रहे हैं। हाँ मेडिकल फैसिलिटी के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो वो मेडिकल कॉलेज के रूप में डेवलप करने की बात कर रहे हैं। डीम्ड अगर आप बताएं तो फॉरेंसिक के लिए एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, पुलिस के लिए एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। देखिए वैरायटीज ऑफ काम कर रहे हैं। पर एक आरोप आप पर ये लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है ये, क्योंकि नई ट्रेनें चला रहे हैं आप 150, तो जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान में जो संख्या है वो उधर की घटेगी जो सरकार की है। एयर इंडिया बिक ही रहा है आपके राज्य में, BSNL बंद हो ही रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो कर्मचारी अधिकारी बेरोजगार हो रहे हैं इसको कैसे आप कंपनसेट करेंगे? देखिए अगर गवर्नमेंट व्यापारिक क्षेत्र से अपने को रिस्ट्रिक्ट करें, अब आप देखिए एयर इंडिया लॉस में जा रही है फिर भी हम चलाना चाहते हैं। आप LIC में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई फिर भी हम उसमें लगना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ये आपके मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन में कितनी प्राइवेट कंपनीज आ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े और गवर्नमेंट उस सेक्टर में पर देखा ये गया है कि जैसे ही आप
पूरी तरह से प्राइवेट कर देते हैं किसी सेक्टर को, तो जो रेगुलेट आपको करना है यानी गवर्नमेंट को करना है उस चीज़ को, वो नियंत्रण खत्म हो जाता है, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और उसका नुकसान उपभोक्ता को ही होता है अंततः। देखिए, अगर चार टेलीकॉम कंपनीज हैं तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी। एयरलाइंस अगर चार कंपनीज हैं, पर वो मोनोपोली करती है ना फिर उसके बाद। देखिए, अब ये तो रिंग बनाने का मतलब आप क्या है? नहीं, अब जैसे मैं आपको अथॉरिटी भी डेवलप करते, जैसे मैं आपको भोपाल का ही उदाहरण देता हूँ। एयर इंडिया जब से अपनी फ्लाइटें कम करने पर आमादा है, तब से बाकी की भी जो प्राइवेट एविएशन कंपनियां हैं वो भी अब धीरे धीरे अपनी सेवाएं घटा रही हैं, तो इससे नुकसान तो नागरिकों को हो रहा है। इसी तरह से आप कह रहे हैं अन्य सेक्टर की जो बात कर रहे हैं, BSNL की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जियो को छोड़ दें तो बाकी सबकी हालत जो है पतली है। कमर्शियल कॉम्पिटिटिवनेस तो डेवलप करना पड़ेगी गवर्नमेंट हर सेक्टर में। वो सोशल वेलफेयर में उतरे वो ठीक है, हम जो टॉप स्लैब वाले लोगों को फैसिलिटीज प्रदान करें, ये गरीब जनता के हित में नहीं। बताइए पंकज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बजट के अंदर मुझे शुरू से आखिरी तक सिर्फ ये लगा कि कहीं ना कहीं सिर्फ गुमराह किया गया है जनता को। सबसे बड़ा आघात तो LIC के अंदर जो इन्होंने अपना हिस्सेदारी बेचने की बात करी है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता के साथ कुठाराघात है। क्योंकि देश की जनता का विश्वास अगर LIC में से घट जाएगा तो एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो LIC के अंदर देश की जनता का फसल दिया हुआ, जमा किया हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्होंने जो 150 ट्रेनें चलाने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं रेलवे को भी निजीकरण की ओर ले जाने का प्रयास है। मेरा ये पूछना है कि इससे पहले BSNL, MPB और डाकघर ये सब निजीकरण के शिकार हुए तो इनका हशर क्या हुआ, ये आप स्वयं जानते हैं। जब हमने BSNL का निजीकरण करने का प्रयास किया, BSNL के अंदर हमने दूसरों कंपनियों को आने का न्योता दिया, तो ये स्थिति हो गई कि जब हम 5G की ओर देख रहे थे तब BSNL को 4G मिलने लग गया, तो कहीं ना कहीं BSNL को डैमेज किया गया सरकारी अफसरों द्वारा। नहीं, या मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के सेक्टर में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, इतना घटिया तरीके से काम कर रहे हैं कि उन पर सरकार क्यों बेवजह खर्चा करे जबकि उसके पास बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है? तो प्राइवेट कंपनी आएगी तो 100 नए लोगों को रोजगार देगी, यहाँ ये भी तो आप पहलू देखें ना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे सेक्टर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कर्मचारी लापरवाही से काम कर रहे हो या रेलवे सेक्टर माइनस में आ रहा हो। रेलवे सेक्टर हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है। अब हर साल के बजट का इतिहास उठा के देख लीजिए, रेलवे एकमात्र ऐसा उपक्रम है जिसने भारत देश की अर्थव्यवस्था को थाम के रखा है, कभी भी इस सेक्टर ने माइनस शो नहीं किया। पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जी, आप दो ट्रेनों की तुलना करिए, एक लखनऊ से जो चली है प्राइवेट ट्रेन है उसको देखिएगा और एक अपनी भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन को देख लीजिएगा, ये सरकारी है। अब आप अगर यहाँ की ट्रेन के टॉयलेट्स देख लें, यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था देख लें, तो आपको सिर पीट लेंगे क्योंकि पता चला वो कामगार है ही नहीं है उसमें। इसी तरीके से TC है या बाकी के लोग हैं, उपलब्ध हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, तो ये अव्यवस्था भी तो है ना। आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उसके बाद आपको व्यवस्था भी नहीं मिल रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि इस स्थिति में को उभारने के लिए कहीं ना कहीं यात्रियों को अभी सचेत होना बहुत अनिवार्य होता है और अफसरों और अधिकारियों पर लगाम कसना भी बहुत जरूरी होता है। इसका अर्थ यह तो नहीं ना कि हम उसको बेच दें। हम सरकारी जितने तो भी हमारे मान रहे हैं, लोग मान नहीं रहे ना। नहीं, लोगों को मनवाना तो पड़ेगा, लोगों को कहीं ना कहीं कठोर कदम उठा करके रोकना तो पड़ेगा। अगर हम हमारे अर्थतंत्र की मजबूत कड़ी को बेच देंगे तो कैसे काम चलेगा? यही बात तो आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं ना, आपके जितने निगम मंडल हैं सब घाटे में हैं। कमलनाथ जी ने 1.25 साल हो गया CM बने हुए, कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता गए कि भाई साहब निगम मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं कर रहा, वैसे ही घाटे में चल रही है सरकार, और कर देंगे तो और बैठ जाएगा बट्टा। तो ये परसेप्शन है, ये आपकी पार्टी का भी है, इनकी पार्टी का भी है, अब क्या करें? मेरा तो यह कहना है कि रेलवे ऐसी संस्था है जो कभी ठीक है। रेलवे को लेकर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय से उसमें एक अनुशासन चला आ रहा है, एक व्यवस्था चली आ रही है, ठीक है, मैं मानता हूँ उसको। पर सवाल ये है कि सरकार का काम बिजनेस करना तो नहीं है, व्यापार करना थोड़ी है सरकार का काम।
सरकार का उद्देश्य गुड गवर्नेंस देना तो है। अगर हम इस तरीके की स्थिति व्याप्त कर देंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और इस तरह से लूट खसोट की स्थिति शुरू हो जाएगी, तो जो व्यक्ति आज की तारीख में सामान्य रेलों में बैठ रहा है वो उन बुलेट ट्रेनों में बैठने के लिए उसे उतना पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार ही नहीं है तो उतने पैसों में बुलेट ट्रेन आएगी कहाँ से हमारे पास, उन पैसों को हम वहाँ भोग कैसे कर पाएंगे, उन ट्रेनों में घूम कैसे पाएंगे, ये भी तो बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। नहीं, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा आप अगर गौर करें तो आप ये भी पाएंगे कि अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो फिर परिस्थितियां कुछ और होती हैं। यहाँ ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी, और ये बात आप भी मान रहे हैं, आपने ही देखिए जितने भी पर्यटन के क्षेत्र में अभी खुद ही घोषणा कर रखी है आपकी सरकार ने कि सबका प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम, तो जितने आपके पुरातत्व महत्व के स्थल हैं उनको भी आप होटल्स या प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। मेरा यही तो आपसे कहना है कि मैं इन बातों से सिर्फ एक ही निचोड़ लेना चाह रहा हूं, और वो यह है कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे का निजीकरण जो है उसको छोड़ दिया जाए, देश की अर्थव्यवस्था पे आघात पहुंचा रहा है, इसे छोड़ देना चाहिए। चलिए, यहाँ विशेषर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्राइवेटाइजेशन की बात आ रही है इस बजट में और ये कोई नई बात नहीं है, शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी। आप बताएं, क्या जब कोंकण रेलवे शुरू की तब तो खैर इन लोगों की सरकार थी, तो आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ठीक है? देखिए, सार्वजनिक उपक्रम जितने भी हैं ये पूर्व से अनुभव रहा है कि वे लाभ की स्थिति में कम से कम नहीं रहे, और हमेशा से जैसे जैसे समय निकलता गया और उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल होती गई और अंततः वो घाटे की स्थिति में आ गए। सार्वजनिक उपक्रम मध्य प्रदेश में नगर निगम मंडलों की बात करें, राज्य परिवहन निगम था, सरकारी बसें थी, बहुत सरकार ने पूरे प्रयास किए लेकिन लगातार वो स्थिति बिगड़ती गई, आर्थिक स्थिति, और एक समय ऐसा आया कि वो इतने घाटे में चला गया कि उसको चलाना ही मुश्किल हो गया, और अंततः ये निर्णय लेना पड़ा कि उसको बंद कर दिया जाए। चरण शिल्प विकास निगम, उसको भी बंद कर दिया गया। ऐसे और भी निगम मंडल हैं जो उस समय चालू थे और बाद में कालांतर में उनमें घाटे की स्थिति आई, उनको बंद करना पड़ा। उसमें वस्त्र निगम भी है, उसको भी बंद किया गया। तो ये स्थितियाँ लगातार आती जा रही हैं, और यही स्थिति राष्ट्रीय उसमें स्तर पर है, देश में देखने में मिल रही है कि जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं वो निरंतर घाटे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो BSNL हो या आपका ये इसका BHEL के कारखाना हो, उसमें भी धीरे धीरे स्थिति गिरावट आ रही है। अभी तो खैर एकदम ऐसी स्थिति नहीं आई कि उसको बंद करना पड़े, लेकिन इस तरफ सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सरकार जो है अब वो अपने हाथ इन सब चीज़ों से खींचना चाहती है, अपना हिस्सेदारी उससे कम करना चाहती है, क्योंकि वो सेवा प्रदाता की भूमिका में आना चाह रही है ताकि वो सेवाएं दे निजीकरण के माध्यम से और लोगों को वो सुख सुविधाएं मिलें, और ये सुनिश्चित करेंगे। ठीक बात है चलन जी, ये बात ठीक है कि आप घाटे के उपक्रम बंद कर रहे हैं, परंतु बजट में जातिगत आधार पर ये जो एलोकेशन किया गया है कि साहब OBC के लिए 85,000 करोड़, ST के लिए आपने अलग से 35,000 करोड़, तो ये मतलब 53,000 करोड़ ST के लिए, तो ये आपको नहीं लगता कि आप जाति भावना को और उसको वोट बैंक के चलते ये सब बजट का प्रावधान रख रहे हैं? देखिए, हर समाज आज आंदोलन कर रहा है पिछड़ा वर्ग के नाम से, मध्य प्रदेश सरकार ने 27% आरक्षण किया, कोर्ट ने उसके अभी स्थगन दे दिया है 14%। जब पॉलिटिक्स में SC ST पे 10 साल की पुनः आरक्षण बढ़ा दिया गया, जब आपके समाज में जिसको एक एक्सेप्टेड ट्रुथ के रूप में हमने जब स्वीकार किया, तो उनके बजट को भी प्रावधान उनके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। सवाल ये है कि एक तरफ आप घाटे की चीज़ें बंद कर रहे हैं और उधर ये चुनावी लॉलीपॉप जो है उसमें बहा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए, तो ये तो फिर अन्याय है। हम बहा नहीं गए, जो ग्रुप्स आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जिसके लिए निरंतर समाज में एक जागरूकता आ रही है,
तो उनको हर दृष्टि से सक्षम बनाना, ये भी सरकार का नहीं, पर आपको भी पता है कि एनजीओस के नाम पर, ये समूहों के नाम पर कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, ये आपको पता है। बताया ये जाता है कि महिलाएं या जो भी सहायता समूह है वो ये तैयार कर रहे हैं सामग्री, पर पता चलता है कि कोई सेठ वहाँ सप्लाई कर रहा है और वो उनके नाम से पोषण आहार में घबरा है, कहीं घबरा है, ये तो आपने खुद देखा है। तो इस तरीके की झूठी दिलासा, झूठी तसल्ली भी क्यों देना? देखिए, व्यापारी छद्मवेश में अगर प्रवेश कर रहा है और हमारी वेलफेयर स्कीम्स में अपना वो वर्चस्व स्थापित कर रहा है, तो निश्चित ही ये समाज के लिए क्या कह लेंगे, विसंगति के कह लें या ठीक नहीं है समाज के लिए। पर सवाल ये है कि आपकी सरकार ये रही यहाँ 15 साल, और पोषण आहार में जितना घोटाला हुआ वो सब निजी कंपनियों ने ही किया। स्व सहायता समूह का तो खाली नाम रखते थे आप, और गड़बड़ घोटाले तो इन्हीं के नाम पे चलते थे, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए उस चक्कर में। कि मैं आपके इस स्टेटमेंट से सहमत तो नहीं हूँ, पर अगर गड़बड़ घोटाले हुए हैं तो हमारे माननीय कमलनाथ जी उन घोटालों का पर्दाफाश क्यों नहीं कर रहे? करे थे उन्होंने, पर उनके यहाँ भी अफसर बैठे, उन्होंने कहा चलो लीपा पोती करो, खत्म करो, मतलब सारा खान खराब है, मतलब हाँ वही है ना, इसलिए ताला में भांग गुली हुई है। तो आप देखिए ना, ये हालात तो है ही हैं। जितने इनने अपने वचन पत्र, कथित खुरचन पत्र में जो कहा था, इतनी सारी घोषणा कर दी थी, इतनी जांचें कराएंगे, व्यापम घोटाला, फलाना ढिकाना घोटाला, टेंडर घोटाला, किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने, क्योंकि उनको पता चल गया सब आपके लोग और इनके लोग एक ही हैं। देखिए, ये नहीं कह रहा हमारे लोग शामिल है, हम इस तथ्य से सहमत नहीं है, पर क्योंकि इन्होंने राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल किया, हम चाहते हैं इसे सिद्ध करें। यहाँ पंकज जी बात ये उठ रही है कि बजट इन्होंने जैसा भी है, ऐसा कहते हैं कि ये जनहितैषी है, और इसमें जो भी प्रावधान रखे गए हैं उसमें फोकस जनता पर ही किया गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जनहितैषी बजट की इन्होंने घोषणा करी है, ये कह रहे कि भाई हमारा बजट जनहितैषी है, तो मैं इसमें कुछ तथ्यों पर इन्हीं से प्रश्न पूछता हूँ। सबसे पहला तथ्य, पिछले बजट में इन्होंने हर जिले में एक हवाई अड्डा खोलने की बात करी थी, जो इस बार पूरा निर्धारित है। हर जिले में तो नहीं करी, नहीं साहब करी थी। दूसरा प्रश्न है, नहीं ऐसे ये गलत तथ्य। दूसरा प्रश्न मेरा, इन्होंने इस बार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी है। मेडिकल कॉलेज की इन्होंने घोषणा अवश्य करी, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि मेडिकल कॉलेज ये खोल रहे हैं और वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक ही कहाँ से लाएंगे, ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। ये बताइए, इसका जवाब पहले ले लेते हैं, चले कहाँ से लाएंगे? चले देखिए, ये निश्चित है कि डे वन पे सब जिलों में खुल जाएंगे ऐसा नहीं, पर एक योजना होती है जिसको पीपीपी मोड में लाया जाएगा, और हर जैसे अगर पहले दिन 5 खुलेंगे, दूसरे दिन यानी पहले साल 5-10 कुछ खुलेंगे, फिर 20 खुलेंगे, फिर कुल मिला के वो योजना है। अब कितने साल पूरी होगी पता नहीं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, वो एक साथ नहीं खुलेंगे, एक साथ थोड़ी खोल लेंगे, संभव नहीं। ठीक है, बताइए पंकज। देखिए, मेरा ये कहना है कि चलिए ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया, लेकिन आज मेरा ये कहना है कि जो व्याप्त समस्या, आज बेरोजगारी जो आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा व्याप्त है, जिस जीडीपी का इन्होंने एकदम से बाउंसर फेंक दिया कि हम प्रयास करेंगे कि ये जीडीपी 5-10% हो जाए, मतलब 5-10 पे आके खड़ी हो जाए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जो 263 के आसपास इन्होंने किसानों को राशि दी थी, वो इस बार 280 के आसपास कर दी है, तो क्या ये 17,000 करोड़ रुपए से क्या किसानों की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, या जो किसान पिछले साल की तुलना में इस साल जितने त्रस्त हुए, वो क्या उन किसानों में स्थिति सुधार आएगा, बाजार में पैसा आएगा? जब बेरोजगारी अगर ये दूर नहीं कर पाएंगे, पैसे का विनिमय शुरू नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस तरह स्थिति स्पष्ट होगी, कैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी और कैसे हमारी स्थितियाँ साउंड होगी? सिर्फ और सिर्फ सरकार प्राइवेट सेक्टर को अपना सरकारी उपक्रम बेच बेच करके पैसे को जनरेट करने का प्रयास कर रही है, और उस पैसे से कार्य करने का प्रयास कर रही है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि LIC के अंदर अपनी
स्वामित्व को छोड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी रिस्क है, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं सरकार को इस पैसे को जनरेट कर करके कहीं ना कहीं सरकार जनता के साथ भी और LIC के माध्यम में जनता के विश्वास के साथ दोनों के साथ धोखा कर रही है। नहीं, पर यहाँ एक बात और भी है ना कि LIC इससे पहले कि किसी बैंक की तरह डूब जाए, उसमें अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो कम से कम एक फ़ायदा तो होगा ना। जैसे एक घोषणा इन्होंने अच्छी की है कि बैंक में पहले 1 लाख का इंश्योरेंस था, वो बढ़ा के उन्होंने 5 लाख कर दिया। तो इससे जो आम आदमी है, जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में PMC बैंक में हुआ, वो घटना तो कम से कम दोबारा नहीं होगी ना। लोगों को 5 लाख तो मिलेगा, उतनी राशि तो कम से कम एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत होती है। मेरा यही तो आपसे कहना है कि LIC के ऊपर जो आपने आरोप लगाया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकारी क्षेत्र के अंदर LIC ऐसी स्थिति में है कि वो डूब जाएगी? हाँ बिल्कुल, LIC है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, जो NPA जिस तरीके से बढ़ा है LIC का, उससे चिंता बढ़ गई है सरकार की। और ये इनके ही समय पे नहीं है, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तभी ये बात उठी थी कि LIC ने जो लोन बांटे थे आवास निर्माण की योजना के तहत, स्कीम के तहत, वो कई जगह फ्रॉड निकले। भोपाल में ही आपने देखा होगा बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पर हुआ। इस तरीके से पूरे देश भर में हुए हैं। और वो जो NPA है, वो जो लोगों का जमा राशि है उसके लिए बहुत घातक है। अगर इस तरीके की जो बात चल रही थी ना, क्या अधिकारी जो बैठे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, वो खुद ही ये गड़बड़ घोटाले करते हैं, तो ऐसे में तो इनकी स्कीम ठीक है। देखिए, मैं तो LIC के अंदर जो इन्होंने राष्ट्रीयकरण छोड़ा है, जो अपना स्वामित्व छोड़ रहे हैं, उसका मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। और साथ में रेलवे के अंदर इन्होंने जो निजीकरण की स्थिति स्पष्ट करी है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की सबसे अभूतपूर्व संपदा के लिए हानिकारक है। इन दोनों बातों पर और इसके साथ ही इन्होंने जो ये टैक्स में रिबेट देने का जो इन्होंने मायाजाल बुन करके दिया, ये कुल मिलाकर लास्ट ईयर के टैक्स रिबेट के समतुल्य ही बैठ रहा है। इसलिए इसमें कहीं पर भी कोई विशेष हमारे को फायदा नहीं दिख रहा है। अतः ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो बजट पेश किया गया है, वो कपोल कल्पित और कल्पनाओं के कुएं में पैर पसारने के समतुल्य ही है और कुछ भी नहीं। विश्वेश्वर जी, चूंकि कांग्रेस ये मानती है कि टैक्स लैब्स जो है या टैक्सेशन में बहुत कुछ नहीं कर पाई सरकार, जबकि कुछ ज़्यादा कर सकती थी, आपको क्या लगता है? नहीं, हालांकि उन्होंने ये घोषणा की है, टैक्स लैब बनाया है और 5 लाख तक की जो आय है उसको कर मुक्त घोषित किया गया है, तो उसके बाद में टैक्स स्लेब बना के 12 लाख 12.5 लाख के ऊपर जो है उन्होंने, हाँ 5 से 7.5 पे अलग है, फिर 7.5 से 7.5 से 10 है, 10 से 12.5 12.5 से 15, तो इस तरीके से उन्होंने किया है। और उसमें विकल्प भी दिया है उन्होंने कि पुराना जो एक चीज लागू है उसको भी हम लोग चुन सकते हैं और जो नया स्लैब आया उसको भी चुन सकते हैं। तो अब हालांकि ये अभी कैलकुलेशन पूरी तरह सामने नहीं आया कि नया जो टैक्स स्लैब दिया है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा या पुराना होगा, उसमें अभी वो परिणाम उसके आने बाकी हैं। लेकिन ये कि एक राहत की उम्मीद जरूर है कि इसमें जो नया टैक्स स्लैब दिया है उससे लोगों को बेनिफिट होगा। और किसानों की अगर हम बात करें तो कि सरकार वाकई संजीदा दिखती है आपको कि नहीं, वो किसानों की दुगनी कर देगी 2022 तक? किसानों के लिए आय दुगनी करने का वादा किया गया है इस बजट में और 16 सूत्रीय उनके कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। 20 लाख किसानों को सोलर पंप जो है एक कुसुम योजना जो है उसके तहत उनको प्रदान किए जाएंगे, और 15 लाख किसान जो ग्रिड से जुड़ के और अपने सिंचाई करते हैं पंप के द्वारा, उनको भी सोलर से स्कीम से जोड़ा जाएगा। इस तरीके से उनका जो बिजली के ऊपर खर्च आता है वो उनका कम हो जाएगा और आय के और स्रोत इस तरीके से विकसित किए जाएं, इस पर विचार किया जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि किसानों के लिए आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है या मध्य प्रदेश की? दोनों का स्केल अलग है। मध्य प्रदेश अगर 4 करोड़ या 7 करोड़ की आबादी पर कुछ कर रहे हैं। नहीं, आप तो अपना बता दीजिए, वो तो फिर अभी हम बाद में पूछ लेंगे आपसे कि क्या है मापदंड अलग हो सकता है। हाँ। हमारा यूज है और सम दृष्टि है, हमारे में साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट एंड वेस्ट, चारों दिशाओं के अलग अलग कल्चर के उनमें हम
अलग अलग फसलों का अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसी चलाएंगे, पर एक में बदलाव रेलवे पे हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं उससे सहमत नहीं है। जो 150 ट्रेनें आएंगी वो पीपीपी मोड में आएंगी, और एलआईसी भी जो आम जनता की स्कीम्स हैं या जो पॉलिसी वाले की जो कंडीशन है वो नहीं बदली जाएंगी। ठीक है, वो तो आपकी बात सही है, मैं तो सिर्फ किसानों के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई आपकी सरकार बेहतर काम कर रही है केंद्र की किसानों के लिए या मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। इस तरह से कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, ये कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इनकी सरकार ने घोषणा की 2 लाख रुपये तक का कर्जा माफ़ करेंगे और भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं इन्होंने, अब वो आएगा वचन पत्र धीरे धीरे से, अमलीकरण में हो रहा है वो धीरे धीरे। आपकी अगर हम बात करें तो कहीं कोई सुनिश्चितता दिखती है कि अब कहीं खाद बीज का संकट नहीं होगा, नकली कीटनाशक नहीं बनने देंगे हम, ये इस तरीके की कोई चीज आ रही है कि नहीं कि सब हवा हवाई चल रही बात है? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बजट को श्रिंक किया क्योंकि हम जैविक खेती के ऊपर जोर दे रहे हैं, और हमारा ये कहना है जो हमारी मूल संस्कृति थी जो मूल, कहीं उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि जो हाथ में वो भी चला जाए फिर। ओवर फर्टिलाइजेशन से, ओवर मेडिकेशन से हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य पे असर आने लगा है, ये हम सब महसूस करने लगे। ये ठीक बात है, पर सवाल ये है कि फिलहाल तो किसान को आय चाहिए, और आप उसकी आय बढ़ाने के बजाय और उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे तो आय बढ़ेगी थोड़ी घटेगी? फिर प्रोडक्शन इसमें कहीं कम नहीं होगा क्या? मतलब आपका जैविक खेती से प्रोडक्शन गिरता है क्या? हाँ बिल्कुल गिरता है, क्योंकि देखिए क्या है, जो हमारे प्राचीन तरीके थे उसमें निसंदेह उत्पादन कम होता था पर क्वालिटी अच्छी होती थी, अभी क्वालिटी अच्छी नहीं है पर क्वांटिटी बहुत है, और इसके कारण किसान को जो है वो ये लगता है कि नहीं ये इसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो वाली फसल ज़्यादा बोता है जिसमें उसको लाभ होता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं, इतना गोबर आपके पास है नहीं है, पशुधन है नहीं है, कहाँ से लाएंगे? एक दिन में तो हो नहीं जाएंगे कि साहब इतना आपने इंतजाम कर लिया जैविक खाद का। देखिए अगर दूध का प्रोडक्शन डबल करेंगे तो कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री उसमें तरक्की होगी। आप एक बढ़ जाएगा तो दूसरा घट जाएगा, ये पैरामीटर कटते ही नहीं है, तो आप इस तरह से कंपैरिजन नहीं। पर ये आपको नहीं लगता सब लॉन्ग टर्म की योजनाएं हैं? फौरी तौर पर नहीं, आप भी जानते हैं, आप तो इंजीनियर हैं, आपको तो और ज्यादा मुझसे अच्छा ज्ञान है कि 2 दूनी 4 ही हो सकते हैं, 5 तो नहीं हो सकते। अब जब आप कोई भी चीज़ शुरू करेंगे तो उसके रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा ना। आज आप अगर कहते हैं कि हम इतना दुग्ध उत्पादन बढ़ाएंगे तो एक दिन में थोड़ी बढ़ जाएगा, उसके लिए आपको गाय बछड़े ये सब लाने तो पड़ेंगे ना। वही आप हमारे बजट में देखा होगा कि हम ये जो पशुधन की बीमारियों के ऊपर भी कंट्रोल करने का योजना है उसमें। अब देखिए बच्चा पैदा होगा तो 5 साल की उम्र में, 5 साल कहीं तो होगा बच्चा पैदा होगा, और आप सोचो कि 50 साल जैसे डीए पढ़ने लगे करते रहे तो नहीं होगा। तो ये बजट में क्लेरिफाई नहीं है ना? नहीं, ये भी क्लेरिफाई कर देते कि साहब इसमें 5 साल लगेंगे इस योजना में। बजट में 5 साल लगेंगे तो घोषित तो है कि ये 22 तक होगा, ये 25 तक होगा, इतनी सुपर हाईवे बन जाएंगे। अब आप देखिए बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई 5 साल में दिख जानी चाहिए थी, पर अभी भी बजट में कहा जा रहा है कि हाँ 2023 तक ले आएंगे, 2022 तक ले आएंगे। तो ये आपको नहीं लगता कि प्रगति जो है वो उसकी गति बहुत धीमी है? गति तो निश्चित ही, जितने गोगी चादर उतने ही तो पैर पसार सकते हैं जो पुरानी कहावत है, ऐसा तो होगा नहीं कि चादर छोटी हो पांव लंबे हो जाए।
तो ये बजट में प्रावधान नहीं होता क्या इस चीज का? नहीं, जनता को बता दें कि साहब अभी इसमें टाइम लगेगा। जनता को के ऊपर लोडिंग थोड़ी बढ़ा सकते हैं वो तो। ठीक बात है। या पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा संक्षिप्त में कि जिस तरीके की बातें कांग्रेस कर रही है कि साहब मध्य प्रदेश के का हिस्सा कम कर दिया गया है, अन्य राज्यों का भी हुआ है हालांकि, तो आपको क्या लग रहा है इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश में, या चूंकि आपकी योजनाएं भी ऐसी अच्छी नहीं है कि कम हो ज़्यादा हो आपको क्या फर्क पड़ना है, चल ही रहा है कि ना काम आपका? देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जब सहयोग की बात आई थी तब भी हमारे साथ भेदभाव किया गया था। यूरिया में भी कहीं ना कहीं हमारे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की, कहीं ना कहीं हमारे साथ देरी करने की किसान साथ भेदभाव किया गया, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि हम एक अच्छा गवर्नेंस दें, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अच्छा शासन करे और हर वर्ग को संतुष्ट करे, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ना आपके यहाँ भी बजट का, आपके यहाँ कौन सा सदुपयोग हो रहा है? 700 करोड़ का आईफा अवार्ड करा रहे हैं, बॉलीवुड की नचनियों को बुला के 700 करोड़ उड़ा देंगे तो उससे कोई भला हो जाएगा दो दिन में क्या? ये 700 करोड़ रुपए आप चाहते तो किसी एक शहर में, रतलाम में ही लगा देते तो वो चमन हो जाता, लोग देखने जाते उसको। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई प्रायोजन होगा। कमलनाथ जी ने इससे पहले भी जो मीट करवाई थी उन मीटों में कहीं ना कहीं हमारे पास में विनिवेश आना शुरू हुआ ही है, और अभी तो समय है, हमें 4 साल का समय दीजिए, हम और आपको इम्प्रूवमेंट करके बताएंगे। नहीं, सवाल ये जितना खर्चा कर रहे हैं उतना तो इम्प्रूवमेंट नहीं, 100% उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, अभी तो नहीं हो रहा। आपने इंदौर का इन्वेस्टर सबमिट किया, 1% रोजगार नहीं दिख रहा कहीं भी। नहीं, पर साल भर होने को जा रहा है, पर उसमें आपको कहीं ना कहीं आगे इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कहीं ना कहीं हम लोग जो टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, जो कमर्शियल टाउनशिप डेवलप हो रही है इंदौर और भोपाल के बीच में, वो स्थिति आपको अपने आप सामने आएगी। पर यहाँ एक बात और उठ रही है ना पंकज जी, कि मोदी सरकार ने एक बड़ी जो कहें बड़ा कलेजा दिखाया है वो ये है कि उन्होंने अपने घरेलू खर्च में कमी कर ली है। 4% जो है उन्होंने अपना व्यक्तिगत खर्च घटा लिया है सरकार का। आपकी सरकार तो ये फालतू की गाड़ियां खरीद रही है, मंत्रालय बना दिया 3-3 बिल्डिंग, उसमें बैठने के लिए आदमी नहीं है, कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ तमाम तरीके के, देखने वाला कोई नहीं है, तो ये इस तरीके की फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं? आप भी अपना खर्च घटाइए ना उसके चलते। देखिए, फिजूल खर्ची कमलनाथ सरकार कहाँ कर रही, कैसे कर रही, ये तो मेरे समझ से ही परे आ रहा है, क्योंकि मुझे तो हर जगह कमलनाथ सरकार के निर्णय कार्य ही दिख रहे हैं। एक बात बताइए, 10 करोड़ रुपए मंत्रियों के बंगले पे खर्च किए कि नहीं कमलनाथ सरकार द्वारा? उसमें पहले कोई चपरासी थोड़ी रह रहे थे, उसमें भी मंत्री रह रहे थे पहले बीजेपी के। इस तरह का आक्षेप बीजेपी गवर्नमेंट के समय भी तो लगा हुआ होगा साहब, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी तो इस तरह का व्यय किया होगा। कह तो रहे हैं कि उन्होंने गलतियां की इसीलिए वो निपट गए। अरे आप तो उससे सबक लो। हम कहीं गलतियां नहीं कर रहे हैं। आपके मंत्री मिल नहीं रहे, अब जब वो जनता से ही नहीं मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, अरे मेरी आप बात छोड़िए जनता की, आप तो नेता हैं, कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, इतनी मतलब घमंड आ गया है, ऐसा बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने में मस्त हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, ऐसा कुछ कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं इधर उधर, जिसको कहें रेत खोदते हुए, और वो बाकी के लोग सब बैठे हुए हैं जिनको काम करना है। ऐसी कोई भी स्थिति बनी हुई नहीं है, बिल्कुल सहज और सुलभ उपलब्ध है, हमारे सारे मंत्री जी और कार्यकर्ता बकायदा उनसे मिल रहे हैं और वो हर तरह का कार्य कर रहे हैं, ये किस बात का मैं पुरजोर खंडन कर रहा हूँ। चलिए बताइए विशेष जी, क्या लग रहा है आपको ये बजट को लेकर? वाकई सरकार जैसा केंद्र ने कटौती की है वैसे यहाँ आपको कहीं दिखती है क्या? देखिए, ये तो आइडियल स्थिति है और हर सरकार को जो है अपने व्यक्तिगत खर्चों में कटौती करना चाहिए और जनहित के कार्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। ये पर कमलनाथ सरकार ने क्या की है क्या? 150 करोड़ का ही खरीदा उन्होंने अभी तक, कम का खरीदा, अभी तक ऐसी स्थिति कोई नहीं आई है सामने, और लगातार सरकार के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। बताइए शैलेन जी, अंतिम सवाल आपसे, क्या वाकई बजट को लेकर यहाँ की सरकार संजीदा है, वो कम खर्च करती है? देखिए, अब हमारे माननीय प्रवक्ता जी मारेंगे नहीं, पर इनके ही माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण जिसे बयान देते हैं, जिससे समाचार पत्रों में छपते हैं, उससे मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं डिवाइडेड हाउस है, और डिवाइडेड हाउस के कारण प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं वो एक स्वच्छंदता का वातावरण निर्मित हो रहा है। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और इस बजट को देखकर जनता को ये समझ लेना चाहिए
कि प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सभी के पास वोट बैंक महत्वपूर्ण कड़ी है और उसको कोई नहीं भूलना चाहता। अब ऐसे में जनता की जो सही ज़रूरत है वो कौन कैसे पूरी करता है, ये जनता अच्छे से जानती भी है और चुनाव में वो अपना परिणाम देती भी है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विवाद खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ।